हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड सेटर रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। आप लोगों को पहले ही बता दे रहे, अब मेरा टारगेट ये रहेगा आपको 10 में 10 इस बार मार्क्स इंडियन कोस्ट गार्ड में दिलावा करें, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक वाइज भी कराते चला हूँ, प्रैक्टिस सेट भी कराया, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस सेट के प्ले लिस्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट बताना, लिंक मिल जाएगी, ठीक है। देखो लिखा है प्रेस समाचार पत्र सुनार का क्या होगा, आप लोग ध्यान समझना। प्रेस होती है, वहाँ से आपके समाचार पत्र निकलते हैं, ठीक है। अब सुनार के यहाँ से क्या निकलते हैं, गहने, ठीक है। सुनार के यहाँ से क्या क्या मिल जाते हैं आपको, कहने मिल जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, रक्त हृदय है, वायु का क्या होगा, दूसरा नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो हृदय में, हृदय से आपका ये कि रक्त का प्रवाह होता है, उसी प्रकार जो वायु का प्रवाह कहाँ से होता है, वो आपका फेफड़ों से होता है, फेफड़ों से होता है। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लड़की सुंदर, लड़का का क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन उस हिसाब से बनेगा तो वहाँ पे मनोहर बन जाएगा, ठीक है। उसमें क्वालिटी की बात नहीं की गई कि चतुर है कि वीर है, साहसी है, गुण बताया जाए तो वो मनोहर है, ठीक है। इस आधार पे करना, इन चारों के हिसाब से तो डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चौथा नंबर दिया गया फल अंगूर है, स्तनपाई का क्या होगा, देखो चौथा नंबर के यहाँ पे ए पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे अंगूर आपका क्या होता है, फल होता है, तो स्तनपाई आप भैंस आपकी स्तनपाई होती है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगला दिया गया है पाँचवा नंबर प्रश्न दिया गया आपका, एक स्वर विविधता रुचिता का क्या होगा, बताइए। देखो आपका यहाँ पे एक दूसरे के ये विलोम है, वैसे तो देखो पांचों का सी ऑप्शन शिष्टता रुचिता हो जाएगा, विविधता का एक स्वरता हो जाएगा, शिष्टता आई है। पौंगी रेशम सैल्यूट का क्या होगा, छठा नंबर प्रश्न है। देखो जो पौंगी होती है वो रेशम की एक अच्छी प्रजाति है, पौंगी जो होती है रेशम की एक अच्छी प्रजाति होती है, नहीं पता होगा शायद आप लोगों को, तो ये चीज़ याद ही करनी पड़ेगी। पौंगी जो रेशम की एक अच्छी वो जाति होती है, प्रजाति होती है। और सैल्यूट किसकी होती है, देखो सैल्यूट यहाँ पे नाव की एक प्रजाति होती है, नाव की सैल्यूट, ठीक है। यह सब याद कर लेना, नाव की होती है। जिस प्रकार कली का संबंध फूल से होता है, उसी प्रकार छोटे पौधे का संबंध किससे होता है, ठीक है। देखो कली जब बढ़ जाती है तो फूल बन जाती है, अब छोटा पौधा जब बड़ा बन जाता है तो क्या बन जाता है, पौधा बन जाता है, ठीक है। सातवें का राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट वैसे राइट ऑप्शन बनेगा इन चारों के हिसाब से। अगला है, चलो अगला प्रश्न यहाँ पे छूटा जा रहा था। देखो जिस प्रकार सदैव का संबंध है आपका कभी नहीं, जैसे रेगुलर है तो नेवर हो जाएगा, ठीक है, कभी नहीं मतलब, ठीक है। उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे है आपका, ये उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। तो आठवें का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी पार्ट हो, जीवित का मृत हो जाएगा, लिव डेड हो जाएगा इसका मृत का, ठीक है, डेड। अगला देखते हैं देखो लिखा, जिस प्रकार गति का संबंध आपका भौतिक विज्ञान से, उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे है। तो आपका सिंपल सा देखो, गति का जो संबंध है आपका, वो आपका भौतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं गति का संबंध, ठीक है। और उसी प्रकार जो रक्त का संबंध है, वो शारीरिक विज्ञान या विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है, रक्त का विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। अगला देखते हैं भाई, लिखा है जिस प्रकार सिर का संबंध टोपी से है, उसी प्रकार उंगली का संबंध किससे है, ठीक है। देखो सिर पर टोपी पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, तो उंगली पर क्या पहनते हैं, उंगली पर क्या पहनते हैं, दस्ता, भाई दस्ताना कह सकते हो, थिम्बल कह सकते हो, उंगली दस्ता, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है जिस प्रकार टहलने का संबंध दौड़ने से होता है, उसी प्रकार शीतल मंद समीर का संबंध किससे होता है, बताइए। टहलने का रिलेट है दौड़ने से, तो शीत मंद समीर आपका भाई हवा से रिलेटेड होता है, इसका तीव्र रूप होता है शीतल, ठंडी ठंडी धीरे धीरे, समीर मतलब धीरे धीरे हवा चल रही, तो उसका मंद माने धीरे धीरे, समीर माने वायु हवा चल रही, तो धीरे धीरे का हो जाएगा हवा, ठीक है, तेज। अगला देखते हैं, इसका देखते हैं 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका। देखो 12 नंबर है, जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, टीवी का संबंध किससे है, बताइए। कार को चलाने के लिए भैया पेट्रोल चाहिए, ठीक है, टीवी को चलाने के लिए क्या चाहिए, विद्युत चाहिए भाई आपकी, विद्युत, ठीक है, करंट, यहाँ पर डी पार्ट राइट है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, देखो आपको बस ये केवल बताना था कि ये टाइप मतलब इस टाइप से भी प्रश्न बन जाते हैं, इनको इन क्वेश्चनों को समरूपता कहते हैं, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आपके कुछ एक टॉपिक होते हैं जो रीजनिंग में आपके आते हैं, 10 नंबर की वैसे भी रीजनिंग आती है आपको, ठीक है। टाइम की बात बचत करके आपको पेपर में हल करना, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी इस बार नहीं, तो पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना 60 आंसर, ठीक है। और सेक्शन फर्स्ट में जो साइंस आती है, ठीक है, वो आपकी 10 नंबर की आती है, जो आपकी साइंस प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री से मिलके बन के आती है, जिसमें कि एक दो न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं फिजिक्स के छोटे छोटे, तो ये कि साइंस है जो इनका मिश्रण है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, ठीक है। आप लोग बहुत लोगों का डाउट था, जिस प्रकार घर का संबंध आपका आश्रय से है, स्कूल का संबंध दोस्तों किससे होता है, ठीक है।
13 नंबर प्रश्न है, तो स्कूल में शिक्षा मिलती है कि नहीं, घर में रहते हैं, रहने को मिल जाता है, आश्रय स्थान हो जाता है, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा राइट ऑप्शन है, ठीक है, स्कूल में शिक्षा। अगला देखते हैं, जिस प्रकार पत्थर का संबंध आपका कठोर से है, पंगस संबंध किससे, तो आप लोग बिल्कुल सिंपल बता दोगे, देखो पत्थर कैसे होते कठोर होते, पंख कैसा मुलायम होता है, 14 का ए ऑप्शन राइट है। दोस्तों ये कि आप लोग बस एक गलती करते हो हमेशा, आप लोग वीडियो को बिल्कुल लाइक नहीं करते हो, ठीक है, आप यही वीडियो देख लेना, यही वीडियो को कोई लाइक नहीं करेगा, आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी बिल्कुल नहीं करते, आपके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही फिर भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।